सो गाइस, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल MDB Tech पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं या कॉल फॉरवर्डिंग आपने करके रखा है उसे बंद करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डायल कॉन्टैक्ट में जाना है, डायलर पैड में के अंदर में जाना है, और डायलर पैड के अंदर में जाने के बाद यहाँ पर जो आपको थ्री डॉट्स दिख रहा है इसके ऊपर टैप कीजिए और सेटिंग के अंदर में चले जाइए। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, बस आपको जाना है थर्ड नंबर पे कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग पर। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, पहला है वॉइस, दूसरा है वीडियो। तो वॉइस पर टैप कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉल फॉरवर्डिंग का जो ऑप्शन होता है बेसिकली वो क्या होता है कि अगर आप दो चार फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अब सब फ़ोन में अलग अलग सिम है यार, तो आप क्या करते हो, एक फ़ोन हर समय अपने पास में रखते हो, तो जो भी सिम है आपके उसका आप अपने पास में जो सिम रखते हो उसके ऊपर जो है आप जो है फॉरवर्ड कर दीजिए कॉल को, तो जब भी कॉल उस फ़ोन पर आएगी वो डायरेक्ट आपके जो फ़ोन आपके पास में रहता है उस पर चली जाएगी। बेसिकली समझ लीजिए कि एक सिम का जो कॉल है वो दूसरे सिम पर आप ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, तो जो भी आपके उस नंबर पर कॉल करेगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पे तीन चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पहला है ऑलवेज फॉरवर्ड, दूसरा है व्हेन बिजी, तीसरा है व्हेन अनअनसर्ड, और चौथा है व्हेन अनरीचेबल। पहला है कि भैया आपका ऑलवेज जब भी आपको कॉल आएगा वो उसी कॉन्टैक्ट नंबर पर चला जाएगा। दूसरा है व्हेन बिजी, यानी कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके पास कॉल आ रहा है तो वो आपके दूसरे फ़ोन पर ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली हो जाएगा एंड दैट्स उस पर रिंग बजने लगेगा। तीसरा है व्हेन अनअनसर्ड, आपको कोई कॉल किया, अब आपका फुल रिंग हुआ, आप नहीं उठा पाए, तो वो ऑटोमेटिकली जो है दूसरे नंबर पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और चौथा है व्हेन अनरीचेबल, जब आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं होगा उस सिम में, तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि आपका जो है वो उस नंबर पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। काफ़ी बार होता है किसी सिम में नेटवर्क है, किसी सिम में नहीं है, तो आपके पास दोनों सिम है, तो इस वाले ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देते हो तो जब ये अनरीचेबल रहेगा, कहीं पर आप गए इसमें टावर नहीं है, तो उस वाले कॉन्टैक्ट पर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी कॉल। तो यहाँ पर ऑलवेज़ फॉरवर्ड पर आपको टैप कर देना है। ऑलवेज़ फॉरवर्ड पर टैप करते हैं तो यहाँ पर आप जो है अपने नंबर को डाल सकते हैं। मेरा पहले से एक नंबर डाला हुआ है, लेकिन आप चाहें तो अपने मन से कोई भी नंबर को डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट मैंने 1 to 1 पर डाल दिया और टर्न ऑन कर दिया, तो जैसे ही मैंने 1 to 1 टाइप किया और टर्न ऑन किया तो मेरा जो है कॉल 1 to 1 पर जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप कोई सा भी यार नंबर डाल सकते हो, और यहाँ पर थोड़ा सा यार टाइम लगता है और मेरा जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो चुका है। अब इसको अगर बंद करना है तो सेम यही प्रोसेस है, इसके ऊपर टैप कीजिए और यहाँ पर टर्न ऑफ पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप यार टर्न ऑफ पर जो क्लिक करोगे तो आपका जो कॉलिंग है फॉरवर्डिंग किया हुआ वो ऑटोमेटिकली जो है टर्न ऑफ हो जाएगा। थोड़ा सा यार टाइम लगता है और यह टर्न ऑफ हो गया। तो इस तरीके से आप कॉल फॉरवर्ड को इनेबल या ऑफ़ कर सकते हो काफ़ी आसानी से। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।